अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल मेन कैंपस। टुडे आवर सब्जेक्ट इज उर्दू फॉर ग्रेड नर्सरी एंड द टॉपिक नेम इज हरूफ को तस्वीर से मिलाएं। ठीक है, ये हमारे पास हरूफ लिखे गए और ये कुछ तस्वीर बनेंगी। ठीक है, इनको हमने इनकी साउंड के मुताबिक मैच करना है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास हर्फ लिखा है वो है टे। टे की आवाज है टा। अलिफ मदा, अलिफ मदा की आवाज आ है। टे, टे के ऊपर दो नुकते हैं और टे की आवाज है ता। ये लिखा हुआ है हमारे पास अलिफ, अलिफ की आवाज आ है। अलिफ और अलिफ मदा की आवाज आ होती है। ठीक है, ये आता है हमारे पास बे। बे के नीचे एक नुक्ता और बे की आवाज है बा। ठीक है, अभी ये जो तस्वीर हमारे पास बनी है, अब इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये क्या बना हुआ है हमारे पास? टोकरी, ट, टोकरी, ट की आवाज आ रही है इसमें। ठीक है, टोकरी। बतख, ब, बतख। अनार, अ, अनार। ठीक है, आम, क्योंकि ये थोड़ा सा आम है ना, आ आ भी है और अलिफ की भी आवाज इसमें आ रही है आपको और अलिफ मदा की भी, लेकिन आम आ अलिफ जो ज्यादा खींचा जाता है वो अलिफ मदा होता है। ठीक है, इसलिए अलिफ मदा से बनता है आम। ठीक है, तितली, त, तितली, ते की आवाज आती है। ठीक है, अब आपको इनकी आवाज और तस्वीरों के बारे में तो पता है ना। ठीक है, सबसे पहला लफ्ज हमारे पास, सॉरी, सबसे पहला हमारे पास जो हर्फ लिखा है वो है टे। टे से हम मैच करेंगे किसको? ट, ट, टोकरी। ठीक है, टोकरी ये है और ये टे है। ये हो जाएगा हरूफ को तस्वीर से मिलाएंगे। सबसे पहले हमारे पास है टे, ट, टोकरी। ठीक है, फिर आता है अलिफ मदा, आ, और अलिफ और अलिफ मदा की आवाज आ ही है, लेकिन अलिफ मदा को जरा ज्यादा लंबा करके हम बोलते हैं। ठीक है, वो आ लंबा आ जाएगा। ठीक है, अनार भी आ से बनता है, आम भी आ से, लेकिन जो आम है उसमें और इसमें ये फर्क है, अलिफ की आवाज कम आती है, कम हम थोड़ा हल्का बोलते हैं, लेकिन जो अलिफ मदा है वो जरा लंबा करके बोलते हैं। ठीक है, अलिफ मदा, अलिफ मदा से क्या बनता है? आम, आम। ठीक है, आ आम। ठीक है, अलिफ मदा से हम करेंगे आम। उसके बाद हमारे पास आता है ते, त, तितली। ते की आवाज आती है ते, तितली के साथ। ठीक है, त, तितली। फिर हमारे पास है अलिफ, अलिफ आ, अनार, अ, अनार। ठीक है, ये इससे मैच हो जाएगा। फिर हमारे पास आखिर में आता है बे, ब, ब, बतख। ठीक है, ये थे हमारे पास कुछ हरूफ और उनकी तस्वीर। आज मैंने आपको हरूफ और उनकी तस्वीर को आवाजों के साथ किस तरह मिलाया जाता है वो मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आपको अगले हरूफ और उनकी तस्वीर के साथ किस तरह उनको मिलाना है, आवाजों को, हरूफ को और आवाजों को आपस में किस तरह मिलाना है वो मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।